हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियरंजन कुमार। वेलकम टू एडवांस एक्सेल 2007। स्वागत है आपका एडवांस एक्सेल 2007 में। सबसे पहले हम लोग एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एम एस एक्सेल है क्या और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, डाटा चार्ट एंड डाटा स्टोरिंग इन मैनेज्ड वे के काम आते हैं। स्प्रेडशीट की मदद से हम एक्सेल पे सारे काम को कर सकते हैं। ओके, ये तो रहा है एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग एम एस एक्सेल स्टार्ट करते हैं। देखिए, एम एस एक्सेल स्टार्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं आप लोगों को दो मेथड्स बताऊंगा। पहला मेथड ये है कि ये जो कर्सर है, इस कर्सर को लेके जाना है आपको स्टार्ट मेन्यू पे। स्टार्ट मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने में ये डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट आइटम्स आपके सामने में आ जाएंगे। आपको करना क्या है कि ऑल प्रोग्राम पे आपको जाके कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद में आपके सामने में ये डिफरेंट फोल्डर्स खुल जाएंगे। क्योंकि हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल पे काम करना है तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को फाइंड करना है। तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में जस्ट ऊपर से जो सेकेंड ऑप्शन जो दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, पहला मेथड। दूसरा मेथड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि आपको कीबोर्ड से विंडो की प्लस आर को प्रेस करके रखना है। तो होगा क्या कि आपके सामने में रन की एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगी। इसमें आपको एक्सेल टाइप करना है। एक्सेल टाइप करने के बाद में आप अपने कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करके रखें। होगा क्या कि आपके सामने में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट आपके सामने में खुल जाएगा। ओके, यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम बताएगा, ये रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, उसके बाद में क्या है कि ये जो दिख रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के डिफरेंट टैब्स हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 7 टैब्स में डिवाइड किए हुए हैं। जैसे इसमें कुछ एक्स्ट्राज दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कारण ये है इसका कि मैंने कुछ इसमें ऐड करके रखा है। लेकिन बेसिकली जब कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलेंगे तो इसमें 7 टैब्स देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं अब होम के बारे में। होम होता है क्या है और इसका यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट ये हो रहा है कि होम का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपको बार बार यूज़ करनी होती है, जिस चीज़ को आपकी बार बार नीड होती है। जैसे मान ले जाए किसी चीज़ को कट करना हो, पेटी कॉपी करना हो, अगर आप सेम फॉन्ट, सेम कलर, सेम डिज़ाइन को आप दूसरे टेक्स्ट पर लाना चाहते हो तो बेसिकली फॉर्मेट प्रिंटर का ये सब यूज़ करते हैं। टेक्स्ट का डिज़ाइन आपको चेंज करना हो, बोल्ड करना हो, इटालिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, उसकी बॉर्डर वगैरह बनानी हो, उसकी साइज़ बढ़ानी हो, ठीक है ना। और मान लीजिए कि आपको ऑटो सम वगैरह करना हो, रैप टेक्स्ट करनी हो, सेल को लेफ्ट करना हो, सेंटर करना हो, राइट करना हो, तो ये सब बेसिकली ये सब तमाम चीज़ें आपको होम के टैब में जाकर देखने को मिली। और एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि होम के टैब के अंदर अलग अलग टूल्स हैं और हर टूल्स का एक पार्टिकुलर रेंज बना हुआ है। जैसे एलिगमेंट का देखिए एक रेंज बना हुआ है, नंबर का एक रेंज बना हुआ है, स्टाइल के का एक रेंज बना हुआ है, यानी कि हर सेल का, हर टूल्स का एक अपना अपना वो विंडो बना हुआ है। अगला है आपका इंसर्ट का मेन्यू। इंसर्ट के मेन्यू में बेसिकली ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को डाल सकते हो। जैसे कोई पिक्चर्स वगैरह डालनी हो, कोई टेबल्स वगैरह बनानी हो, कोई पिवोट टेबल बनाना हो, कहीं से पिक्चर लाकर आपको एम एस एक्सेल में डालना हो। क्लिपबोर्ड के अंदर होता है क्या है कि ये अपने अंदर कुछ इमेजेस को, कुछ कार्टून्स वगैरह को सेव करके रखता है। तो आप वहाँ से उस चीज़ को सर्च करके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे ला सकते हैं। कोई शेप वगैरह बनानी हो, कोई कॉलम वगैरह बनाना हो, कोई लाइन वगैरह ड्रॉ करनी हो, वर्ड आर्ट का कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना हो, कोई सिंबल वगैरह आपको यहाँ पे लाना हो, तो बेसिकली इन तमाम चीज़ जो है आपको इंसर्ट के मेन्यू में मिलेंगे। अगला है आपका पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब ये होता है कि पेज से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन और सभी टूल्स पेज लेआउट के मेन्यू के अंदर आप को मौजूद होते हैं, मौजूद मिल जाते हैं। अगला है आपका फार्मूला का। बेसिकली ये जो फार्मूला का जो आपका टैब है, ये फाइनेंशियल फार्मूला, लॉजिकल फार्मूला, मैथमेटिकल फंक्शंस, वो तमाम चीज़ें आपको
इस फार्मूला के मेनू में मिल जाते हैं। अगला है आपका डाटा का। डाटा के मेनू के अंदर आमतौर पर डाटाबेस डिज़ाइन की जाती है, जैसे मार्कशीट बना रहे हैं, एम्प्लॉय का पेरोल सिस्टम बना रहे हैं, किसी तरह का डाटाबेस हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उस तमाम को फिल्टर करना, मैनेजमेंट करना, अपनी मर्जी के रिकॉर्ड को कॉल करना, ये सारे काम इस डाटा के मेनू से किया जा सकता है। अगला है आपका रिव्यू का। रिव्यू मेनू के अंदर कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे वर्कबुक को लॉक करना, वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना, स्पेलिंग्स वगैरह चेक करना, ठीक है ना, इस तरह की कमांड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगला है आपका व्यू। व्यू मेनू में स्क्रीन का व्यू किस तरह से होगा, ज़्यादातर चीज़ें आपको इसमें यहाँ पे आपको इस चीज़ से रिलेटेड आपको व्यू मेनू में मिल जाते हैं, लाइक स्क्रीन की जूम साइज आपकी क्या होगी, उसका पोजीशन क्या होगा, अगर आपको डाटा को फुल स्क्रीन पर देखना हो तो वो हम किस टाइप से देखेंगे, पेज लेआउट इन एनवायरनमेंट देखने के लिए भी हम बेसिकली व्यू मेनू का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इन सभी मेनू के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।